लोग यही कह रहे हैं कि एक शिफ्ट में एग्जाम हो पर सेमेस्टर लागू नहीं हो। इन लोग का सेटिंग होगा कि दो सेटिंग में अगर हो जाता है तो एक सेटिंग में इन लोग का करा के आसान क्वेश्चन देके इन लोगों को पास कराने का ये सेटिंग चल रहा होगा। जो पहला डेट आया है उसको सही मानकर उसी के अनुसार तैयारी कीजिए, बाकी क्या होगा ये हम नहीं जानते, वो अध्यक्ष भी नहीं जानते हैं, पुराने जो इस बीपीएससी के चेयरमैन हैं उनसे सलाह ले रहे हैं, परीक्षा नियंत्रक से सलाह ले रहे हैं, तो ये लोग तो पहले से भ्रष्ट हैं। जो बीपीएससी के पूर्व चेयरमैन थे आर के महाजन और अभी के जो परीक्षा नियंत्रक है अमरेंद्र कौर, ये लोग तो पहले से भ्रष्ट है। इन लोगों पे तो हम जांच की मांग कर रहे हैं, संपत्ति की जांच हो, पेपर लीक में जांच हो तो उसकी मांग कर रहे हैं, और ऐसे लोगों से अगर ये सलाह लेंगे तो ये लोग क्या सही सलाह देंगे। जो आर के महाजन अपने कार्यकाल में एक शिफ्ट में एग्जाम लिया वो इनको दो शिफ्ट में एग्जाम लेने की सलाह दे रहे हैं। अतुल प्रसाद जी से हाथ जोड़कर विनती करते हैं, उनको सलाह देते हैं कि आप अपने से कीजिए, अपने बुद्धि विवेक से काम कीजिए, ये आर के महाजन और अमरेंद्र कुमार जैसे लोगों से सलाह मत लीजिए, नहीं तो आप जो अच्छा काम भी कर रहे हैं तो उसमें ये लोग बाधक बनेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं NBC 24, मैं हूँ आदेशपुरी। बीपीएससी 67वीं पुनर्परीक्षा को लेकर काफी असमंजस की स्थिति बनी हुई है। परीक्षा 20-22 सितंबर 2022 को होगी या नहीं होगी इसके बारे में भी किसी को भी पता नहीं है। इसके अलावा आपको बता दें कि छात्र बड़ी संख्या में इस परीक्षा प्रणाली का विरोध कर रहे हैं, जिसमें दो दिनों में परीक्षा पीटी का लिया जाने वाला है और परसेंटाइल व्यवस्था को लागू किया जाने वाला है। आपको बता दें कि छात्र नेता दीप है हमारे साथ, इनके ही अगुवाई में छात्रों का एक प्रतिनिधिमंडल आयोग के अध्यक्ष से मिला था और 31 अगस्त तक आयोग के अध्यक्ष ने कहा था कि आप छात्रों से राय शुमारी करवा ले कि वो परीक्षा में एक दिन पीटी चाहते हैं या फिर दो दिन चाहते हैं, कब परीक्षा को लेकर चाहते हैं कि परीक्षा कब तक हो, किस तरह हो, इन सभी पर फिर से हम बात करेंगे दिलीप से, क्योंकि रोज जो है नई नई बातें निकल के आ रही हैं, छात्रों के अपने अपने राय निकल के आ रहे हैं। दिलीप जी, अध्यक्ष ने आपको 31 अगस्त को फिर से बुलाया है कि आप आए और छात्रों छात्र क्या चाहते हैं, किस तरह परीक्षा हो, इसको लेकर अपनी राय बताएं, छात्रों की राय बताएं, क्या अब तक क्या आपके पास रिव्यू आया है, कैसे कैसे क्या होने वाला है। देखिए, अध्यक्ष महोदय का एक चीज हमको बहुत अच्छा लगा, उन्होंने ये कहा कि आप छात्रों से राय ले लीजिए कि वो क्या चाहते हैं, और हम राय ही ले रहे हैं। मोबाइल नंबर दिए, सब लोग फोन कर रहे हैं, व्हाट्सएप पे मैसेज भी कर रहे हैं, हमारे भी ऑफिस का नंबर लगातार आ रहा है मैसेज, तो सब लोग यही कह रहे हैं, 99.999 कह लीजिए, सभी लोग यही कह रहे हैं कि एक शिफ्ट में एग्जाम हो, परसेंटाइल लागू नहीं हो। दो चार लोग ही हमको फोन किए जो ये कह रहे हैं, हमारे पास भी दो चार महिलाओं का फोन आया, वो बड़ा ही नाराज हैं कि परीक्षा सितंबर में ही हो जाए, चाहे दो शिफ्ट में ही क्यों ना हो, जल्द से जल्द परीक्षा हो जाए, बड़ा ही परेशान उदास और उनको हड़बड़ी है कि नहीं जल्दी से जल्दी परीक्षा लिया जाए, क्या कहना है इसको लेकर। देखिए, दो चार लोग, पांच छह लोग ऐसे थे, पांच से छह लोग जो कि ऐसे बोल रहे थे हमको कि परसेंटाइल लागू होगा तो क्या हो जाएगा, दो शिफ्ट में ही होना चाहिए, सितंबर जो आयोग कर रहा है सही कर रहा है, आयोग जो करे करने दीजिए, आप लोग आंदोलन क्यों करते हैं, सितंबर में भी हो जाए क्या। तो हमने उनसे एक सवाल किया कि पिछले साल सितंबर में विज्ञापन आया था और पीटी परीक्षा 8 मई को हुई, इतना दिन आपका क्यों नहीं बोले, इतना लेट हुआ तो 8 मई को परीक्षा हुई, रद्द हुई, फिर उसके बाद अभी तक परीक्षा नहीं हुई, तो क्यों नहीं आप बोले, क्यों नहीं उस समय बोले कि लेट हो रहा है, अभी आपको क्या हड़बड़ी है। तो इसका उनके पास कोई जवाब नहीं था, सिर्फ इतना ही कहना था कि आप आंदोलन कर रहे हैं इसलिए हम आपको बोले। तो मुझे लगता है दो बातें हो सकती है, या तो ये बहुत डिप्रेशन में चले गए होंगे, या फिर बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने 8 मई को जो पीटी परीक्षा हुई तो उसमें पैसा फंसा हुआ होगा, तो निश्चित रूप से पैसा फंसा होगा, पेपर लीक हुआ, उजागर हो गया, तो उन लोग का तो पैसा जो फंसा है पैसा तो वापस मिलेगा नहीं। तो इन लोग का सेटिंग होगा कि दो सेटिंग में अगर हो जाता है तो एक सेटिंग में इन लोग का करा के आसान क्वेश्चन देके इन लोगों को पास कराने का ये सेटिंग चल रहा होगा, और इसलिए ये लोग हड़बड़ी में है कि जितना जल्द एग्जाम हो जाए ताकि हम उतना जल्दी पीटी पास कर जाए, पता नहीं क्या होगा, सरकार कहीं कार्रवाई कर दे या जांच होते होते कहीं वहां सरकार ही बदल जाए, या सरकार बदल जाए, राष्ट्रपति शासन कहीं लागू हो जाए, कुछ भी हो सकता है, या फिर बीपीएससी ऑफिस के अंदर के कुछ लोग अरेस्ट हो गए तो कहीं पोल खुल जाएगा तो हम लोग फंस जाएंगे। तो ये निश्चित रूप से है, क्योंकि बात करने के तरीका से पता चल जाता है कि आपको भाई इतना हड़बड़ी क्यों है। यूपीएससी का मेंस देने वाले जिनका एज खत्म हो रहा है उनको नहीं कोई परेशानी है, और मान लीजिए दो शिफ्ट में एग्जाम होगा, परसेंटाइल लागू हो जाएगा, और जिनका ये अंतिम चांस है उनके साथ क्या होगा, ऐसे हजारों लोग हैं, हजारों लोग ऐसे हैं जिनका ये अंतिम चांस है और परसेंटाइल लागू हो जाएगा, दो शिफ्ट में एग्जाम होगा तो वो पीटी से बाहर हो जाएंगे और उनको कोई सरकारी नौकरी के लिए फॉर्म भी नहीं भर पाएंगे, तो क्या उनके साथ अनर्थ नहीं होगा, अत्याचार नहीं होगा। तो हम सबसे पहली बात कि हम तो आंदोलन किए थे सिर्फ इसलिए कि एक पाली में एग्जाम कराइए और परसेंटाइल लागू नहीं कीजिए, हम ये इसके लिए नहीं आंदोलन किए थे कि आप डेट बढ़ाइए कि घटाइए, एग्जाम लेना आयोग का काम है, हमने तो यहाँ तक उन्होंने कहा था कि हम 20 या 22 को भी एग्जाम ले सकते हैं, एक शिफ्ट में लेना पड़ा तो तब के ले लीजिए,
तो वो तो लोग आयोग तो हमको ब्लैकमेल कर रही थी ना, बीपीएससी के चेयरमैन जो है हम लोग को ब्लैकमेल कर रहे थे कि इन लोग को ऑप्शन देते हैं, ब्लैकमेल करते हैं कि किस तरह, फिर लास्ट में वो कहते हैं कि आप स्टूडेंट से सजेशन ले लीजिए। हमने भी कहा कि हम अपने मन से कुछ नहीं करेंगे, हम स्टूडेंट जो कहेंगे वही बात हम आपके सामने रखेंगे। तो उनको ये चीज़ अच्छा लगा, उन्होंने भी कहा कि आप स्टूडेंट से राय ले लीजिए, जब आप स्टूडेंट का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं तो आप स्टूडेंट से राय ले लीजिए और 31 को आइए। और वो बोले कि हम भी कानूनी सलाह लेंगे, लेकिन आज किसी अखबार में शेखपुरा में शायद दिया हुआ है सेंटर के लिए वहाँ 20 और 22 सितंबर के लिए, तो पहले से लेटर गया हुआ था हर जिला में, ये लोग ऑफिशियली गया हुआ था। तो इस लेटर को देखकर बहुत सारे लोग हमें भी फोन कर रहे हैं कि क्या है नहीं है। तो देखिए, हम आपके चैनल के माध्यम से अभी भी स्पष्ट कर दें कि हम नहीं जानते हैं एग्जाम कब होगी, और हम एग्जाम का डेट घोषित करवाने के लिए आंदोलन नहीं किए थे। हम सिर्फ एक शिफ्ट में एग्जाम कराने और परसेंटाइल लागू नहीं करने की मांग को लेकर आंदोलन किए थे। एग्जाम कराना आयोग का काम है, आप लोग जो पहला डेट आया है, जो भी पहला डेट कोई भी एग्जाम का, चाहे वो बीपीएससी हो या कोई भी एग्जाम हो, जो पहला डेट अखबारों में आया या मीडिया में आया, उस डेट को मानकर आप तैयारी कीजिए। कि मान लीजिए कि कहीं हो गया तो आप क्या कीजिएगा, अगर हो गया तो क्या कीजिएगा। तो इसलिए पहला जो डेट आ रहा है उसी डेट को मानकर तैयारी कीजिए, हम हमेशा से ये बात कहते हैं। बाकी हम लोग से जो संभव होगा हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि एक शिफ्ट में हो और परसेंटाइल लागू ना हो, हमारा यही मुद्दा है आंदोलन का। तो इसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं, हमसे जो भी हो सकता है हम करेंगे। हम ये भी नहीं चाहते कि आप लोग की पढ़ाई डिस्टर्ब हो, नहीं तो हम लगातार आंदोलन रोज कर सकते थे, लेकिन हम ये नहीं चाहते क्योंकि आपकी पढ़ाई इंपॉर्टेंट है, ये कम्पिटिटिव एग्जाम है और ये बीपीएससी सिविल सेवा की एग्जाम है। तो हम नहीं चाहेंगे कि आप किसी एक गलती की वजह से रेस से बाहर हो जाए और उसके लिए आप कल को दिलीप कुमार को दोषी बताएं। तो हम आपकी पढ़ाई में कभी भी बाधा नहीं बनना चाहते, हम हमेशा बोलते हैं आप लोग पढ़ाई कीजिए और जो पहला डेट आया है उसको सही मानकर उसी के अनुसार तैयारी कीजिए। बाकी क्या होगा ये हम नहीं जानते, वो अध्यक्ष भी नहीं जानते हैं, क्योंकि अभी उस सेंटर की व्यवस्था कर रहे हैं। जैसा कि उन्होंने कहा परसों कि हम अभी तक 2.5 लाख सेंटर ही व्यवस्था कर पाए, तो अभी उस सेंटर की व्यवस्था हर जिला में कर रहे हैं, तो वही लेटर गया होगा। जैसे लेटर वो भेजे होंगे तो हर जिला में एक ही साथ नहीं गया होगा लेटर, आज वहाँ के अखबार में छपा होगा। तो इस चीज को कुछ दूसरे तरह से नहीं लेना, आपको सिर्फ इतना करना है। जी क्या लगता है कि आयोग आप लोग की बातों पे दबाव पड़ेगा उन पर, क्या छात्र का जो है दबाव का उन पर असर होगा, या फिर वो अपने मनमानी करेंगे, बातचीत बस फॉर्मेलिटी है? देखिए दबाव तो निश्चित रूप से पड़ा है, तभी तो वो बोले कि परसेंटाइल हम लागू नहीं करेंगे, लेकिन अभी बोले हैं मीडिया के सामने नहीं बोले हैं, लिखित नहीं है, लिखित नहीं है, ना ही हम लोग को कोई रिकॉर्डिंग करने दिए। तो हो सकता है बाद में वो बोले, जैसे पहले के अध्यक्ष किए थे कि हम तो बोले ही नहीं, पहले परीक्षा नियंत्रक अमरेंद्र कुमार 64वीं में कहे कि हम तो ऐसा कुछ बोले ही नहीं थे, तो वहां तो रिकॉर्डिंग भी नहीं करने दिया जाता है। तो और दूसरी बात कि ये जो अतुल प्रसाद जी हैं ये व्यवहारिक आदमी, ये ठीक ठाक हैं, लेकिन ये दबाव में भी और ये छात्र आंदोलन को ये सही तरीके से लिए हैं और ये इस चीज़ को एक्सेप्ट भी किए हैं कि भाई छात्रों की मांग है तो हम उसको नज़रअंदाज नहीं कर सकते, हम इस पर विचार करेंगे, कानूनी सलाह लेंगे। लेकिन जैसा कि हमें खबर मिली है कि ये अपने पुराने जो इस बीपीएससी के चेयरमैन हैं उनसे सलाह ले रहे हैं, परीक्षा नियंत्रक से सलाह ले रहे हैं, तो ये लोग तो पहले से भ्रष्ट हैं। जो बीपीएससी के पूर्व चेयरमैन थे आर के महाजन और अभी के जो परीक्षा नियंत्रक है अमरेंद्र कुमार, ये लोग तो पहले से भ्रष्ट है। इन लोगों पे तब जांच की मांग कर रहे हैं, संपत्ति की जांच हो, पेपर लीक में जांच हो तो उसकी मांग कर रहे हैं, और ऐसे लोगों से अगर ये सलाह लेंगे तो ये लोग क्या सही सलाह देंगे। और जो आर के महाजन अपने कार्यकाल में एक शिफ्ट में एग्जाम लिया, वो इनको दो शिफ्ट में एग्जाम लेने की सलाह दे रहे हैं, ऐसा कि मुझे अभी सुबह में ये खबर पता चली है। तो ये तो बिल्कुल गलत है। तो हम अतुल प्रसाद जी से हाथ जोड़कर विनती करते हैं, उनको सलाह देते हैं कि आप अपने से कीजिए, अपने बुद्धि विवेक से काम कीजिए, ये आर के महाजन और अमरेंद्र कुमार जैसे लोगों से सलाह मत लीजिए, नहीं तो आप जो अच्छा काम भी कर रहे हैं तो उसमें ये लोग बाधक बनेंगे। और हमने पहले भी कहा था, देखिए कि ये जो दो शिफ्ट में एग्जाम लेने की बात है और परसेंटाइल की बात है, ये निश्चित रूप से शिक्षा माफियाओं के द्वारा दिया गया है, और आज वो बात साबित हो गई कि अमरेंद्र कुमार और ये पूर्व अध्यक्ष आर के महाजन ये करने के लिए इनको सलाह दिए थे, और आज भी वो बोल रहे हैं कि ये सब कीजिए आंदोलन से, ये सब ऐसे एक दो दिन आंदोलन करेगा खत्म हो जाएगा। ये बात तक भी पता चला कि आर के महाजन और अमरेंद्र कुमार बोल रहे हैं, ये कितनी सच्चाई है मैं नहीं कह सकता, लेकिन ये बात मुझे पता चली है कि ये लोग सलाह दे रहे कि ये लोग ऐसे आंदोलन करता है 2-4 दस को आएगा, एक दो दिन बस उसके बाद कुछ नहीं करेगा। तो इस तरह से छात्रों को भी सोचना चाहिए कि 6 लाख संख्या है और आते हैं आंदोलन में 600 भी नहीं, हम झूठ में बोल दें कि 10,000 हमारे साथ आंदोलन में था, नहीं बोल सकते हैं हम नहीं बोल सकते। अगर 5 लोग रहेगा तो हम 5 लोग बोलेंगे, हम सच्चाई के रास्ते पर चलते हैं, हम झूठ नहीं बोलेंगे। तो उस दिन कितना आदमी थे, 500 से ज़्यादा नहीं थे, 500 से कम ही थे,
सच्चाई यही है। तो सबसे बड़ा गलती अभ्यर्थियों में, छात्र छात्राओं में, उनको आना चाहिए। जब हम इतना मेहनत करके खून पसीना बहा के आप लोग को बुला रहे थे, आपके लिए लड़ रहे हैं, तो आपको आना चाहिए। अध्यक्ष भी बोल दिए कि 6 लाख में से कितना आया, 600 भी नहीं है। वो तो बोला था कि 40-50 है, तो हमने कहा नहीं नहीं 40-50 नहीं है, आप जाके देखिए 400 से 500 है। और हमने सबको बुलाया भी नहीं है, हमने ये नहीं कहा कि महाआंदोलन है, हमने ये कहा कि ज्ञापन देना है, तो इसलिए बहुत लोग नहीं आए। और सोशल साइट पर आप देख लीजिए, सर्वे कर लीजिए, तो अभी तक जो मेरे पास फ़ोन आया, व्हाट्सएप पे मैसेज आया, हजारों आ चुका है। और मैं ये बता दूँ, सबसे पहले तो मैं माफ़ी मांगता हूँ उन छात्रों से जिनका फ़ोन मैं रिसीव नहीं कर पाया और जिनके व्हाट्सएप मैसेज का रिप्लाई नहीं कर पाया हूँ, क्योंकि इतना फ़ोन आ रहा है, इतना व्हाट्सएप पर मैसेज आ रहा है कि संभव नहीं हो पा रहा है मेरे लिए, जिससे अभी मैं यहाँ आपके साथ डिस्कशन कर रहा हूँ। और अभी फ़ोन पे फ़ोन आ रहा है, व्हाट्सएप पे मैसेज आ रहा है, लेकिन जैसे ही मैं फ्री होता हूँ बारी बारी से कॉल बैक भी करता हूँ, व्हाट्सएप पे रिप्लाई करता हूँ, लेकिन संभव नहीं हो पा रहा है क्योंकि बहुत ज़्यादा मैसेज आ रहा है। लेकिन बारी बारी से मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगा। और अभी तक जितना भी मैंने रिप्लाई किया है, जितना भी मैसेज मैंने देखा है, फ़ोन से बात किया है, तो 99.999% लोगों ने यही कहा कि एक शिफ्ट में एग्जाम हो और परसेंटाइल लागू नहीं हो। और हम लोग चाहते हैं कि जितना जल्द एग्जाम हो जाए। ये 6 महीना की जो बात कही गई आयोग के अध्यक्ष, 31 तारीख को अब क्या, अभी तक का जो राय बना है, हो सकता है कि 2 दिन अभी और है, अभी तक के हिसाब से अब 31 तारीख को क्या जाकर अध्यक्ष को बोलेंगे? देखिए, अभी तक के अनुसार हम यही अध्यक्ष को बोलेंगे, अध्यक्ष ने तो 6 महीना का जो 5 महीना का बात कहा, वो माइंड गेम था उनका, गेम था कि इसे अभ्यर्थियों को आपस में बांट दे और हम लोगों को ब्लैकमेल करने का उनका तरीका था। तो हमने कह दिया कि हमको एक शिफ्ट में चाहिए और परसेंटाइल नहीं चाहिए, और हर हाल में नवंबर तक, 30 नवंबर से आगे नहीं जाना चाहिए, 30 नवंबर तक आप एग्जाम लीजिए। अब आपकी सुविधा है सितंबर में तो सितंबर में लीजिए, अक्टूबर में लीजिए, आपको 3 महीना का हमने समय दिया, क्योंकि 6 लाख का एग्जाम लेना था। हम ये भी नहीं कह सकते कि आप 10 दिन में ले लीजिए। तो हम लोग 31 को जाएंगे यही डिमांड लेकर कि एक शिफ्ट में एग्जाम हो, परसेंटाइल लागू नहीं हो, और हर हाल में 30 नवंबर से पहले एग्जाम हो जाए। अब आयोग की मंशा, वो सितंबर मिले, अक्टूबर मिले या नवंबर मिले, आयोग का एग्जाम कराना आयोग का काम है, क्योंकि उनको सेंटर मैनेज करना है, हम तो ये काम नहीं कर रहे हैं। तो अब आज 3 महीना का समय है, इस 3 महीना में वो जब एग्जाम ले ले। अगर आयोग इस पर सहमत नहीं होती है तो हम लोग फिर अनशन पे बैठने की भी तैयारी कर सकते हैं, उसके बारे में भी सोच सकते हैं, लेकिन पहले छात्रों से हम राय लेंगे, क्योंकि हर बार हम कुछ भी करते हैं तो पहले हम छात्रों से राय लेते हैं, जो वो लोग कहेंगे हम वही करेंगे। तो छात्रों से राय लेंगे, और अभी तक दिलीप का कहना है कि अभी तक जो इनको पिछले 48 घंटों में लोगों का राय आया है, मैसेज आया है, उसके मुताबिक ये 31 तारीख को जाकर आयोग से यही कहेंगे कि एक शिफ्ट में ही परीक्षा होनी चाहिए, परसेंटाइल और 2 दिन में ये परीक्षा का कोई सवाल पैदा नहीं होता है, और इसके साथ साथ जल्द से जल्द परीक्षा कराया जाए, यानी कि 30 नवंबर मैक्सिमम डेडलाइन इनके द्वारा रखा जाएगा। अब आयोग की स्वेच्छा, उनकी तैयारी कि जब वो एग्जाम ले ले, एग्जाम लेना आयोग का काम है, सितंबर ले, अक्टूबर ले, नवंबर ले, लेकिन कम से कम 1 महीना पहले बता दे कि इस तारीख को आपका परीक्षा नियत किया गया है, ताकि जो बिहार से बाहर के छात्र हैं या फिर जो परीक्षा में तैयारी को लेकर अपनी स्ट्रेटजी बनाते हैं उनको इसके लिए सुविधा हो। तो देखिए क्या होता है, हर एक अपडेट, हर एक बातें जो निकल के आ रही है वो आपके सामने रखेंगे। बने रहिए हमारे साथ, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।